हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा है, चेयरमैन कार्डियोलॉजी वेदांता अस्पताल के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ब्रजेश काला भी जुड़ रहे हैं, अभिनेता हैं, सतीश कौशिक के निर्देशन में इन्होंने काम भी किया है। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा एक बार फिर से ये चर्चा दोबारा से, क्योंकि सतीश कौशिक साहब का, अगर मैं मुझे याद है तो कोविड के टाइम में 1.5 साल पहले उन्होंने अस्पताल में भी उनको भर्ती होना पड़ा था। उम्र 66 ईयर्स के थे, कहा जा रहा है कि वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे थे, डाइट पर थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, तो क्या ऐसी चीजें हैं जिससे कम से कम थोड़ा आपको कुछ, क्या प्री वार्निंग इस तरह की मिल सकती है? आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि आपको थोड़ा इस बात की खुद जानकारी रहे कि आपकी बॉडी जो है या आपका दिल जो है वो कुछ समस्या से गुजर रहा है, उसके लिए कुछ आप रोकथाम कर सके? यस, आपने जो ये सवाल पूछा ये बहुत ही कॉमन बात हो गई है आजकल कि हम लोग करीब करीब यू नो डेली बेसिस पे सुनते हैं कि यू नो किसी की अकस्मात मृत्यु हो गई, किसी का उन्होंने यंग एज पे हो गई, तो ऐसे कौन से लोग होते हैं, क्या हम इनको बचा सकते हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। तो वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको डायबिटीज है, जिनको स्मोकिंग करते हैं या जिनका यू नो ओवरवेट है, ऐसे लोगों को चांस रहता है कि हाँ भाई हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे लोगों को पहले ही चेक कराना होता है और पहले ही प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, और इसीलिए माना जाता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर या यू नो स्मोकिंग, दीज आर ऑल साइलेंट किलर्स। ये हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ऐसे अपने आप पता नहीं चलती, लेकिन अगर कोई पर्सन जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसको लगातार अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते रहना पड़ेगा और उसको जो है हमेशा देखना पड़ेगा कि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, और उसके लिए दवा रेगुलर खानी पड़ेगी। जो दवा नहीं खाना चाहते वो समझते हैं कि दवा खाने से हम डिपेंडेंट हो जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि दवा ना खाने से हार्ट धीमे धीमे अफेक्टेड होने लगता है, डैमेज होने लगता है और उससे ब्लॉकेज बढ़ने लगता है। तो दैट इज वन थिंग। सेकेंड इज शुगर। हाई शुगर इज द बिगेस्ट किलर बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज इटसेल्फ। सो दैट इज वाई वी रिकमेंड कि अगर शुगर है तो हाई कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने वाली दवाइयां लगातार खानी चाहिए, चाहे कोलेस्ट्रॉल उसका नॉर्मली क्यों ना हो। और अगर कोई भी सिम्टम है तो सिम्टम कौन से होते हैं, जो प्राय सिम्टम्स पाए जाते हैं इनको कहा गया है बेसिकली सांस का फूलना, चेस्ट पेन होना, घबराहट होना, स्वेटिंग होना अननेसेसरी, ऐसे जब भी सिम्टम शुरुआत में हो तो जल्दी ट्रीटमेंट कराएं। अर्ली डायग्नोसिस इज द वे टू प्रिवेंट दीज सडन कार्डिक डेथ्स। और ये सभी के लिए है, ये आप ये ना समझें कि आप किस उम्र में हैं, अभी तो आप बहुत फिट हैं, ऐसा आपको लग सकता है कि आप एक सर्टेन एज के बाद आपको ये समस्याएं हो सकती हैं। जितना जल्दी आप इन समस्याओं को इसको जांच कराएं निजात पाने की, और इसीलिए जो प्रिवेंटिव केयर है वो ज्यादा बेहतर है किसी ना किसी तरीके की ऐसी समस्या से एकदम फेटल तरीके से जूझने के लिए। बिजेंद्र काला साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, आपने उनके साथ उनके निर्देशन में काम भी किया है, आज सतीश कौशिक को जब आप याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं? मैं सतीश भाई को एक कंप्लीट अगर इंस्टीट्यूट कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो अपने आप में जिसे कहते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, वो आज की तारीख में था लगाना पड़ रहा है। और कल तक वो उन्होंने होली सेलिब्रेशन किया और स्वस्थ, हर तरह से स्वस्थ दिख रहे थे। वो कहीं से नहीं लग रहा था कि आज सुबह सवेरे इतनी खतरनाक न्यूज आएगी, उसने बिल्कुल हिला दिया जिसे कहते हैं, बहुत ही दुखद समाचार। और सतीश भाई को मैं मतलब अभी बहुत सालों से नहीं जानता हूं, उनको समझता हूं, उनको मैं देखा है, वो एक बहुत ही महान कलाकारों में उनकी गिनती रही है। वो प्रोड्यूसर रहे, डायरेक्टर रहे, हर फन के वो उस्ताद रहे। उनके साथ मैंने कागज में उनके निर्देशन में मैंने काम किया, बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि शेर दिल इंसान। और मेंटर है क्या, मैं हम लोगों ने काम किया और ऐसे खूबसूरत पल बिताए खाके वाले, मैं कभी नहीं भूल सकता सतीश भाई को इस तरह से। ये बहुत ही जी बहुत दुखदायी है इंडस्ट्री के लिए भी कि इस तरह का कलाकार जो कि अच्छी सोच रखता हो, जिसको कलम का ज्ञान हो, जिसको निर्देशन का ज्ञान हो, इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं और सतीश भाई उनमें से एक थे। बिल्कुल सर, कौन सा उनका मतलब, आपने जैसे काम करने का अपना एक्सपीरियंस बताया, मैं अभी जब बार बार ये दृश्य भी देख रहा हूं, उनकी तस्वीरें आज की देख रहा हूं, लेकिन मुझे बिल्कुल याद वो एक सीन आ रहा है जाने भी तो यारों का, जिसमें वो नसीरुद्दीन शाह के साथ एल्बर्ट पिंटो करके बात कर रहे हैं। इतने सारे कैरेक्टर हैं, कमाल के उनके सीन थे।
कौन सा आपके लिए ऐसा है जो बिल्कुल अभी तक जीवन सामने आपके खड़ा है? मेरे को तो एग्जैक्टली मतलब कहा जाए, जब लोग आधारशिला से जैसे कि उन लोगों ने एक शुरुआती दौर था इन सभी लोगों का, जो कि मतलब एक महान पीढ़ी जैसे कहते हैं कि एक सीरीज थी पूरी की पूरी, ये लोग जब यहाँ पर इंडस्ट्री में आए, इन्होंने मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मतलब थिएटर की दुनिया को सिनेमा तक लाने वाले इन यही लोग थे। उनमें से एक सतीश भाई का बहुत बड़ा योगदान था। ऐसी पुरानी पुरानी पिक्चर है जो कि मतलब शुरुआती टाइम पर जब आई थी और हम जब थिएटर के आर्टिस्टों को देखते थे स्क्रीन में, तो मैं भी थिएटर से ही हूँ, लेकिन कभी भी मेरे को लगता था ये तिलस्मी नगरी है, यहाँ कहीं और से लोग आते हैं। लेकिन जब सतीश भाई को, नसीर भाई को, ओम भाई को, इन लोगों को जब अपने इतने सीनियर लोगों को मैं देखता था, तो मुझे लगता था तब भी मुझे ये नहीं लगा कि शायद मैं भी कभी इस तरह से आऊंगा। लेकिन उनका वो पप्पू फेजर, वो जमाना था, वो एक ऐसा ये वाला टाइम था जब हम सिनेमा देखा करते थे। और उस वक्त जब मैंने कदम भी रखा था मुंबई में, उस वक्त बॉम्बे का कहलाता था, तभी सोचा भी नहीं था कि कभी मतलब इनके साथ काम करने का मौका भी मिलेगा। वो शुरू शुरू के दौर में जब हम स्ट्रगल किया करते थे, तो सतीश भाई से तब शायद एक आध बार कभी मिलन हुआ था, है ना। इन लोगों का एक अपना प्रोडक्शन हाउस था जिसमें अपने राम बुंदेला भी थे, और सतीश भाई से सारे दोस्त मिल करके इन्होंने अपना एक ओपन किया हुआ था, एक प्रोडक्शन हाउस खोला हुआ था जी। तो वो एक वक्त, और उसके बाद धीरे धीरे करके मुझे खुद ही समझ में नहीं आया कि कब मैं इनके बिल्कुल करीब जाके बैठ गया और मैं इनके साथ काम करने लगा। सर एक सेकंड में आपसे गुजारिश चाहूंगा कि करूंगा, हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कोविड से भी इसको कुछ ना किसी तरीके से जोड़ के देखा जा सकता है कि बहुत सारी रिसर्च है, बात हो रही है, जैसे आप बता रहे थे यंग लोग भी ऐसे जो बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाले 20s में जो लोग हैं, 25 साल के, 26 साल के, नाचते गाते हंसते खेलते, उनकी ऐसे मृत्यु हो रही है, तो क्या कहीं कोविड का एक लॉन्ग कोविड का प्रभाव भी इस पर देखा जा रहा है, उसके लिए आपको और सतर्क रहने की आवश्यकता है? यस, ये एक सोच है, और क्योंकि ऐसा हुआ था जब कोविड हुआ तो बहुत से लोग जिनको ब्लॉकेजेस नहीं थी उनके हार्ट की आर्टरीज में क्लॉट बन गए, बट ये इनिशियल फेज जो अक्यूट कोविड था उसमें तो हुआ। अब लॉन्ग कोविड में क्या यही चीज कंटिन्यू हो रही है कि नहीं हो रही, 100% अभी ये पता नहीं है इसका। अभी हम ये 100% नहीं कह सकते कि ये कोविड का ही असर है। हम ये मान के अभी भी चल रहे हैं कि जो लोग जिनको हाई रिस्क फैक्टर्स हैं उनको भी ज्यादा चांसेस है होने के, और इसलिए अभी उसको कोविड से डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता कि उसका ये लॉन्ग कोविड सिंड्रोम है या नहीं। बट कुछ डिस्कशन इस पे चल रहा है, जब तक कि पूरी रिसर्च कंप्लीट ना हो जाए हम कह नहीं सकते। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये तस्वीरें सीधे मुंबई से आ रही हैं, सतीश कौशिक साहब का जो थोड़ी देर में वहां से उनके जो पार्थिव शरीर है वो वहां पर पहुंचेगा, और बताया जा रहा है एयर एम्बुलेंस से 4 बजे के आसपास वहां पहुंचना था, तो अब से कुछ देर बाद उनका पार्थिव शरीर मुंबई पहुंचकर उनके घर की ओर ले जाया जाएगा, और उसके बाद वहां से जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है, पूरा जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। विजेंद्र जी मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूंगा, क्योंकि कैरेक्टर एक्टर तो यू नो एक्टर बल्कि कैरेक्टर एक्टर क्या एक्टर पार एक्सीलेंस थे, निर्देशक के तौर पर देखा जाए तो उन्होंने जबरदस्त हिट मूवीज दी हैं, निर्माता के तौर पे भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। आपके लिए उनका कौन सा रोल, मतलब फिल्म बॉलीवुड में आपके लिए कौन सी ऐसी चीज है, एक्टर आप उन्हें ज्यादा बेहतर मानते हैं, निर्देशक ज्यादा उन्हें बेहतर मानते हैं, आपके लिए वो कौन सा ऐसा कार्य उन्होंने बॉलीवुड में किया जो आपको लगता है कि इस वाले से ज्यादा बेहतर है? वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ी चीज क्या कि वो इनका जैसा कहना चाहिए ना कि मुलम्मा, वो डायरेक्टर भी थे, निर्देशक भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, और सबसे प्लस पॉइंट जबरदस्त ह्यूमन बीइंग थे, जो कि अपने साथियों को जो कि खासतौर से जो थिएटर से आते थे उनको किस तरह से वो मतलब काम दिया करते थे और उनको किस तरह से मतलब उनका ख्याल रखते थे, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और मैं उनका यही एक मोमेंट याद रखता हूँ हमेशा से कि उन्होंने सबको सबको बराबर का समझा, कभी भी उन्होंने किसी को इस तरह की तरजीह नहीं दी कि नहीं ये इतना इम्पोर्टेंट है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए मेरे को वो सबसे बड़े एक ह्यूमन बीइंग, एक ऐसा कलाकार, टोटल कलाकार जिसे कहना चाहिए, जो कि अपने साथी कलाकार का ख्याल रखता है। सर मतलब ये बड़ा मुश्किल होता है और मुझे लगता है कि आप भी थोड़े उकता जाएंगे इस तरह के सवाल सुनते सुनते, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसा उनका कैरेक्टर, कैलेंडर हो चाहे पप्पू पेजर हो, जैसे मैंने बताया मेरे लिए तो जाने भी तो यारों वाला, वो मूवी कमाल की है, वो बिल्कुल उसके एक सीन कमाल का है, लेकिन
जी कौन हाँ सा एक ऐसा कैरेक्टर है अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो वो चाहेंगे कि भाई मैं उसको कर पाऊं, मतलब सबसे बेस्ट कैरेक्टर आपको उनका कौन सा लगा? वो मेरे को वो जाने भी दो यार, कमाल का है वो, बिल्कुल मुझे जाने भी दो यार रह रहे के ये याद आ रहा है, वो नसीरुद्दीन शाह साहब से जो बातचीत चल रही है अल्बर्ट पिंटो के नाम पर इस कमरे के अंदर, वो मुझे नहीं लगता कि कोई और उससे बेहतर कर सकता था। ये देखो मेरे बूम मतलब रोंगटे खड़े हो गए मेरे, मतलब ये सब बातें करते करते बहुत कमाल का, बहुत ही कमाल का। और सबसे बड़ी बात की मतलब वर्सेटाइल, उनका पप्पू पेजर परफॉर्म करना, उनका कैलेंडर परफॉर्म करना, पिंटो परफॉर्म करना, मतलब एक कलाकार के अंदर कितनी सारी रंग है, कलर है वो उनके अंदर, तो वो कोशिश करते थे हमेशा जी कि अपने आपको कैसे मतलब हर एक में एक डिफरेंट प्रेजेंट किया जाए। एक तो मेकअप के थ्रू होता है, एक गेटअप के थ्रू होता है, और एक आप वही हैं, वही आर्टिस्ट हैं, वही कलाकार हैं, आपका वही फेस है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन उसके बावजूद जब आप परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज देते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। वो सतीश भाई के अंदर थी। जो जो आज जो इंडस्ट्री में लोग कदम रख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि जब आपने इंडस्ट्री में कदम रखा, आप थिएटर से हैं, उनका भी बैकग्राउंड थिएटर का था, तो वो एक प्रेरणा स्रोत जरूर थे आपके लिए। जो लोग आज इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं, सतीश भाई अब नहीं हैं, वो जब पलट के देखेंगे और उनसे क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले तो उनको बहुत मिस करेंगे। दूसरी बात ये कि वो ये सोचते काश अगर वो होते तो शायद उनके लिए कहीं ना कहीं कोई जगह बनती, क्योंकि वो उन्हीं में से थे। उन्होंने हमने सीतापुर में शूटिंग की थी कागज की, कितने सारे कलाकार थे उसमें, नए नए भिन्न भिन्न जगह से आए हुए लोग, उन्होंने बिल्कुल जमीनी लोगों को काम दिया। मतलब वो बहुत मिस करेंगे, जो भी नए कलाकार अब आएंगे वो चाहेंगे कि कोई एक दूसरा चेहरा ऐसा बने जो कि दूसरा सतीश कौशिक पैदा हो और इन लोगों की मदद करे, इन लोगों को मतलब एक रास्ता दिखाए। वो सब बहुत मिस करेंगे सतीश भाई।